हेलो फ्रेंड्स, आज सभी का करते हैं फिर से वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक सूचना देनी है। जैसा कि अभी जो राज कॉमिक्स के जो फाउंडर थे श्री राजकुमार गुप्ता जी, उनका देहांत हो गया है। कि संजय गुप्ता जी ने बताया था अपने फेसबुक पेज के ऊपर ही कि श्री राजकुमार गुप्ता जी का देहांत हो गया है, और यह एक कॉमिक्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ी हानि है, क्योंकि श्री राजकुमार गुप्ता जी को कॉमिक्स जगत का पितामह भी कहा जाता था। क्योंकि राज कॉमिक्स ही एक ऐसी कॉमिक्स थी जिसने कॉमिक्स इंडस्ट्री में हमें अपनी धाक जमाई थी, और काफ़ी समय तक, मतलब ये कह सकते कि एक तरफा राज किया था, और इन सब का श्रेय जाता था श्री राजकुमार गुप्ता जी को, क्योंकि उन्होंने ही अपने नाम से राज कॉमिक्स पब्लिश की थी। और राज कॉमिक्स पब्लिश होने के बाद मतलब काफ़ी तरक्की की थी, प्रगति की थी राज कॉमिक्स ने, और इन सब का श्रेय जाता है हमारे प्रिय श्री राजकुमार गुप्ता जी को, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं और आपको क्या दिखाना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड, हम आपके लिए लेकर आए हैं सार्वनायक सीरीज के कंप्लीट सेट। तो सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले जो कॉमिक्स ये है 2013 में आई थी, ये है युगांधर। तो इस युगांधर में फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भोकाल है, योद्धा है और अड़िक है, इन तीनों के समक्ष आ जाता है युगम, और युगम करता है एक नए युग की शुरुआत करना चाहता है। और यही सब कुछ इस कॉमिक्स में दिखाया गया है कि कैसे युगम आकर एक अलग ही दुनिया बसाना चाहता है, और कैसे वह इन महायोद्धाओं को आपस में भिड़ाता है। और यह इसका रहेगा स्टार्टिंग की महागाथा। इसमें सारा वर्णन बताया गया है कि कैसे क्या इस स्टोरी की शुरुआत होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आती है सार्वनायक सीरीज शुरू होती है, और इसकी पहली कॉमिक्स रहेगी सर्व युगम। और इसमें फ्रेंड दिखाया गया है कि द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, इन तीनों युग के जो महानायक हैं वह अपनी अपनी युग को बचाने के लिए आपस में एक दूसरे से उलझते हैं, और यह सब करवाता है कौन? युगम। तो इस महागाथा की फ्रेंड शुरुआत होती थी सन 2013 में, इसकी शुरुआत हुई थी, और आज तक इसके अभी पार्ट आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल ही एक इसका 12वां पार्ट आया था, सर्वरण। इसके बाद नंबर जो 2 पर है ये रहेगी सर्व दमन, सर्वनायक सीरीज की अगली सीरीज सर्व दमन। तो फ्रेंड, मैं ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक यह सीरीज कलेक्ट नहीं की है या नहीं पढ़ी है, तो आप इसको ज़रूर रीड करिएगा। और इसमें कौन कौन सी सीरीज है वह मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहता हूँ। इसके बाद आएगा सर्व संग्राम, यह रहेगा इस कॉमिक्स का 3रा खंड। इस सीरीज में सारे फ्रेंड आपस में, हीरो जो हैं वह आपस में अपने युग को बचाने के लिए फाइट करते हैं। और ये देखिए, जैसे कि यह रहेगा 4th खंड, इसके अंदर तिरंगा और शुक्राल की जो आपस की लड़ाई दिखाई गई है, इसमें कोई भी विजेता नहीं होता है, दोनों ही मूर्छित हो जाते हैं। और ये रहेगा 4th खंड सर्व सहार। इसके बाद इस सीरीज की नेक्स्ट कॉमिक्स है 5th खंड सर्वनायक सर्व मंथन। ये देखिए, ये रहेगी सर्व मंथन, यह अभी दोबारा से रीप्रिंट होकर आई है। यह मेरे पास स्टॉक में नहीं थी, तो मेरा कलेक्शन थोड़ा अधूरा था अभी, तो यह 5th खंड और 1 खंड और है, यह दोनों मैंने अभी मंगवाए थे, तो इस वजह से मेरा कंप्लीट कलेक्शन हुआ है सर्वनायक सीरीज का। इसके बाद आती है फ्रेंड, ये रहेगी 6th खंड सर्वनायक सारो संधि। यह एक कलेक्टर एडिशन कॉमिक्स है जो मुझे उस टाइम मिल गई थी। ये देखिए, तो यह भी काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है। इसके अंदर डोगा और योद्धा का जो युद्ध होता है अपने अपने कलयुग को, जो अपने अपने युग को बचाने के लिए है, सब कुछ इसमें दिखाया गया है। स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, कुछ हटके किया है राज कॉमिक्स ने, क्योंकि सिंगल स्टोरी तो काफ़ी आ रही थी, तो राज कॉमिक्स ने सोचा कि इस बार कुछ नया किया जाए, तो वह इन सीरीज के माध्यम से कुछ नया किया जा रहा है।
और कई भाइयों की शिकायत रहती थी इनको इन सरोनाक सीरीज के बारे में कि इसमें जो आर्ट वर्क है वह इतना अच्छा नहीं है, अनुपम सर को लेके आओ। तो देखिए फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई नया कलाकार अगर आर्ट वर्क दे रहा है तो वो अपने हिसाब से ही आर्ट वर्क देगा। अगर वह जैसे अनुपम सिन्हा जी की जो उनके बराबर की जो अगर वो आर्ट वर्क देता तो सभी क्या कहते कि यह इसका ओरिजिनल आर्ट वर्क नहीं है, ये सब कॉपी कर रहा है। तो इसलिए आप इस बात को समझो, और क्योंकि हर कलाकार का अपना अलग नज़रिया होता है और उसका अलग आर्ट वर्क होता है। अगर वह सेम उसी तरह का आर्ट वर्क देगा तो वह आर्ट वर्क नहीं, वह एक सिर्फ कॉपी माना जाएगा, कॉपी और पेस्ट। इसलिए आर्ट वर्क भी इसमें सभी कलाकार ने अपने हिसाब से ही रखा है। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और कॉमिक्स इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए। और इसके बाद फ्रेंड नंबर आता है सप्तम खंड का, ये रहेगी सारो क्रांति। ये देखिए फ्रेंड, आपको फिर से बता देते हैं फ्रेंड, इसके अब तक 12 खंड आ चुके हैं और एक जो स्टार्टिंग का जो था युगांधर उसको मिलाकर 13 खंड हो चुके हैं, और अभी 14वां खंड जो अभी आने वाला है। और इसमें फ्रेंड योद्धा और डोगा की मुठभेड़ दिखाई गई है, और वैसे फ्रेंड्स का आर्टवर्क काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इसका आर्टवर्क बनाया गया है, इसमें कोई कमी नहीं है आर्टवर्क के अंदर भी। तो ये रहेगा हमारा सारोनायक सीरीज का सप्तम खंड सारो क्रांति। इसके बाद आता है अष्टम खंड, यह रहेगा सरो शक्ति। ये देखिए ये है फ्रेंड, इस पे प्रचंडा और परमाणु की आपस की टक्कर, और इसकी बैक साइड में देखिए यहाँ अश्वराज और भेड़िया। तो अगर आपने अभी तक यह सीरीज नहीं पढ़ी है और इसके अभी कलेक्शन नहीं किया है तो प्लीज आप इस सीरीज का तो जरूर कलेक्शन कीजिए, काफ़ी अच्छी सीरीज है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, मेरे हिसाब के मेरे को तो यह काफ़ी अच्छी सीरीज लगी है, क्योंकि यह है एक मतलब एक स्टोरी चल रही है जिसका अभी एंड नहीं हुआ है। अगर एंड हो जाता है तो वह स्टोरी वहीं ख़त्म हो जाती है, तो इसका अभी मतलब स्टोरी चल ही रही है, अभी देखो कितनी आगे और जाती है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, अगर इसके ऊपर फिल्म बनती है तो काफ़ी रोमांचक फिल्म बन सकती है, जो कि हमारे इंडिया में बॉलीवुड में बनना नामुमकिन सा ही है। तो ये था हमारा सप्तम खंड सर्व शक्ति। इसके बाद आता है हमारा नवम खंड, सॉरी फ्रेंड वो अष्टम खंड था, सप्तम खंड पीछे जा चुका था। ये है हमारा नवम खंड सरोनायक सीरीज का, और इसका नाम रहेगा सर्व आगमन। और इस पर आप देख रहे हो अश्वराज है, भेड़िया है। तो यह नवम खंड था, और फ्रेंड आपको फिर से बता देते हैं कि यह स्टोरी 2013 में शुरू हुई थी और अभी चल रहा है 2020, तो लगभग 8 साल हो चुके हैं इन कॉमिक्स को आए हुए और अभी भी स्टोरी चल रही है। वैसे फ्रेंड आपको एक बात और बताता हूँ कि कॉमिक्स राज कॉमिक्स के जितने भी जो पुराने पात्र थे, जैसे कि प्रचंडा हो गए या जो इनकी जो कॉमिक्स आई थी एक नाम याद नहीं आ रहा, उसमें जैसे कि कई जो करेक्टर थे वह सभी करेक्टर पुनः इस सीरीज के अंदर वह राज कॉमिक्स ले आई है। और इसमें ये देखिए यहाँ जैसे गगन, जैसे आप देख पा रहे हैं गगन है, विनाशदूत है, तो इस तरह के पुराने जो करेक्टर जो कहीं गुम गए थे वह सभी करेक्टर इस सीरीज के अंदर आ गए हैं, जैसे तिलिस्म देव हो, प्रचंडा हो और गोजो हो, अश्वराज, तो सारे इस सीरीज में आ गए हैं। तो यह काफ़ी अच्छी बात है राज कॉमिक्स की कि सभी करेक्टर को उन्होंने इस सीरीज में लेकर आए हैं और किसी भी करेक्टर को मरने नहीं दिया है, तो यह काफ़ी अच्छी बात है राज कॉमिक्स की इस सीरीज के द्वारा। और हमारा दशम खंड रहेगा सर्वनायक सर्वव्यूह। ये देखिए फ्रेंड, ये रहेगा सर्वव्यूह, जो कि रहेगा एक 10वां खंड, और इसमें भी भेड़िया अश्वराज कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, और उनकी जैसे कि मुठभेड़ दिखाई गई है। तो काफ़ी अच्छी सीरीज है, आपको ज़रूर रीड करनी चाहिए, और आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा शानदार है इन सीरीज का। हम ये नहीं कह सकते कि आर्टवर्क कितना ख़राब है, बहुत ही अच्छा आर्टवर्क और कलरिंग जो की है वह काफ़ी ज़्यादा निखर कर आ रही है। तो यह सीरीज जब कितनी लंबी होती है यह तो भाई आने वाले टाइम में ही हमें पता लगेगा कि सीरीज ख़त्म होती है या अभी और चलेगी। इसके बाद ये रहेगा 11वां खंड सर्वनायक सीरीज का सर्व प्रलय। यह खंड फ्रेंड आया था 2019 जून के अंदर, और उसके बाद अभी जो नवंबर में इसका जो नेक्स्ट का जो पार्ट है 12वां पार्ट वह सर्वरण अब आया था, मतलब कि लगभग 1.5 साल हो गए हैं। तो राज कॉमिक्स को यह इसमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि इस सीरीज को कुछ जल्दी से जल्दी मतलब हर 6-6 महीने में
कम से कम 6 महीने में तो नया पार्ट इनका लाना ही चाहिए, तो यह ज़रूरी है क्योंकि 1.5 साल वेट करना फ्रेंड काफ़ी लंबा इंतज़ार हो जाता है। और जितना जल्दी सीरीज को ख़त्म करेंगे उतना अच्छा रहेगा राज कॉमिक्स के लिए। मैं तो यही कहता हूँ कि हर 6 महीने में अगर एक पार्ट आ जाता है और जल्दी ही सीरीज को ख़त्म कर दिया जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसके बाद एक नई सीरीज जो कि है वह स्टार्ट कर सकती है कॉमिक्स, सॉरी राज कॉमिक्स। तो ये थे फ्रेंड हमारी आज के इस वीडियो में, हमने आपको दिखाया था सर्वनायक सीरीज की ये सारी कॉमिक्स, और इनके अभी आ चुके हैं 12 पार्ट। तो जो 12वां पार्ट था सर्वरन वह मैंने ऑर्डर कर दिया है, लेकिन वह बीच में ट्रांसपोर्ट में कहीं फंसा हुआ है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया उसको ऑर्डर करे हुए, तो सॉरी मैं उसको अभी आपको नहीं दिखा पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जब वह ऑर्डर आता है तो मैं आपका उसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, उस वीडियो उस मतलब ऑर्डर की। तो ये थी फ्रेंड हमारी कुछ सर्वनायक सीरीज की कंप्लीट सेट, अब इसमें एक 12वां सेट नहीं है, 12वां इशू नहीं है, वह आएगा तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी फ्रेंड इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर की जो गति है वह काफ़ी धीमी है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़े और दोबारा से कॉमिक्स इंडस्ट्री का इस मतलब राज हो, और कॉमिक्स को हमेशा आप लीगल तरीके से पढ़िए, उसको बाय कर पढ़िए, और जैसे कि ऑनलाइन सोर्स है जिसमें इलीगल तरीका होता है उससे मत पढ़िए पढ़िएगा, क्योंकि इससे कॉमिक्स इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन कॉमिक्स को खरीदिए, अपना कलेक्शन बनाइए, क्योंकि कलेक्शन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है फ्रेंड, क्योंकि इसमें एक तरह का कॉम्पिटिशन चल जाता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा कॉमिक्स हैं, उसके पास कम हैं। तो आजकल जैसे कई फेसबुक पेजेस भी हैं इन राज कॉमिक्स के ऊपर, तो आप उन फेसबुक पेजेस को भी ज्वाइन कीजिए और वहाँ बनिए और देखिए कि भी सभी अपना अपना कलेक्शन जैसे दिखाते हैं कि मेरे पास इतनी है मेरे पास वो है, तो आप भी इन फेसबुक पेजेस को ज्वाइन कीजिए और अपने कलेक्शन के बारे में जानकारी साझा कीजिएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, तो फिर से हम श्री राजकुमार गुप्ता जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें, क्योंकि राजकुमार गुप्ता जी ही थे जिन्होंने कॉमिक्स इंडस्ट्री को एक हाई पर लेकर आए थे। तब तक के लिए बने रही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।